आज का जो ये विषय रखा है कि इंसान को किसी भी विषय के बारे में अगर उसके समझ में वो चीज नहीं आती है या वो सत्य नहीं है तो उस पर सवाल उठाना चाहिए, और अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो वो आदमी ये सत्य करने वाला भी उसको सत्य माने, वो समझेगा कि मेरे किसी काम करने का विरोध नहीं हो रहा इसलिए मैं जो काम कर रहा हूं वो सत्य काम कर रहा हूं। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर नहीं बात। जो लोग तपस्या करते हैं उससे भी बड़ा तपस्वी है सत्य बोलने वाला, और हम जानते हैं कि आज हमारे देश में सच बोलने के लिए सत्य बोलने वालों की हत्याएं हो रही है, ये इस चीज का उदाहरण है। अब सत्य क्या चीज है, आस्था क्या चीज है और अंधविश्वास क्या चीज है। हम महाराष्ट्र में जाते हैं और भालू का खेल तमाशा करते हैं और बोलते हैं कि इसके बाल से बच्चों को नजर नहीं लगती और ये ताबीज बांधो, तो वहां एक संस्था है अंधश्रद्धा के नाम से, तो कभी कभी उनके लोग मिल जाते हैं और कहते हैं ये बंद करो ये दुकान क्या लगा रखी है, भाई संख्या हो गया, अरे ये अंधविश्वास फैला रहे हो कि ये इसके बाल के बांधने से नजर नहीं लगेगी और इससे जादू टोना नहीं चलेगा, अरे जादू टोना है ही नहीं है तो चलेगा कहां से, इसको बंद करो, ये अंधविश्वास है। अब पलट के अगर सवाल करते हैं कि भाई ये जो मंदिर है मस्जिद है या दरगाहें हैं तो वो कहते हैं वो तो आस्था है, वो आस्था है। अच्छा अब विज्ञान दृष्टिकोण क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है कि कोई चीज है तो उसको जांचेंगे, उसको परखेंगे, उसकी पहचान करेंगे, उसकी सत्यता को नापेंगे और नापने के बाद में उस चीज के बारे में कहेंगे कि ये चीज सच। इसलिए आज पूरी दुनिया के अंदर विज्ञान का बोलबाला है और आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि वो बहुत आगे तक पहुंच गया, तो इंसान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिए। अगर जांचे परखे किसी भी चीज को और गलती तो मतलब महापुरुषों से हमारे यहाँ तो हदीसों में बयान आता है कि नबी से हो गई, जो पहले नबी थे आदम अलैहिस्सलाम उनको मना किया जन्नत में थे कि भाई ये गंदम का फल है आप इसको मत खाना, आप शैतान इब्लीस के भेदभावे में आ गए, आपने उस गंदम के दाने को खा लिया, आपका ताजो तखत गिर गया, तो गलती तो आदम अलैहिस्सलाम से हो गई नबी से हो गई, तो फिर इंसान की क्या विशात है कि इंसान गलती नहीं करेगा। अब ये चीज हमारे भारत के अंदर इतना सवाल करने का सिस्टम क्यों नहीं है या लोगों में ये क्यों नहीं है कि ज्यादातर लोग सवाल नहीं करते, इस चीज को अगर गहराई से मैंने सोचा तो ये लगता है कि हजारों साल से हम लोगों का जो शासन था और शासन करने का जो तरीका हमारे देश में रहा हजारों साल के लिए, वो राजा और महाराजाओं का, और धर्म के प्रति कुछ शब्द बोल नहीं सकते, धर्म के सब लोग पढ़ नहीं सकते, तो ये जो चीजें थी तो उस चीजों ने हमारे को बिल्कुल अंधविश्वास में दबा कर रखा, और बोलते हैं तो जान जाती, वहां अलाव नहीं था, राजाओं का शासन था, धर्म का शासन था, वो शासन जब बदलते बदलते आज लोकतंत्र आ गए और बाबा साहब ने जब संविधान लिख दिया तो उसमें लिख दिया अभिव्यक्ति की आजादी है पूरी, आप अपनी बात कहने के लिए माइक का सहारा ले सकते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कह सकते हैं, फिल्म बनाकर कह सकते हैं, गीत के माध्यम से कह सकते हैं, कविता के माध्यम से कह सकते हैं, अभी हमें बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी है। अभी जो किसानों के धरने की बात की, जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था जब उसमें एक पाठ आया कि हाड मांस चाम दाल खेत में लू लपट ठंड में बोनी रे जोतनी पूर्ण जमीन रो धनी, वो किसान ये कह रहा है जिस टाइम पे ये परसाती के जमीन पे खेती तो किसान करता है और उसकी फसल जो है वो सेठ लोग साहूकार लोग जमींदार लोग ले जाते हैं, तो वो अपनी पीड़ा कविता में कह रहा है कि हाड मांस चाम गाल खेत में लू लपट ठंड में बोनी रे जोतनी पूर्ण जमीन रो धनी, और फिर उसके आगे था ठगे बढ़िया ठाकरा ठग हुई है पी, ठगता है बढ़िया और ठाकर
हद हो गई इनकी हेकड़ी की, ये अपनी हेकड़ी चलाते हैं। लेकिन उस चीज के बाद में आज फिर दोबारा से उसी दुनिया में उसी बातों पे हमें लौटाया जा रहा है। अगर किसान इतनी मजबूती से वो जो कानून लेकर आए थे अगर उसका विरोध नहीं करते तो दोबारा से किसानों की जमीनें साहूकारों के पास में चली जाती। अब ये एक अभिव्यक्ति की आजादी और एक बोलने का तरीका और रास्ता था जिसका जमकर किसानों ने विरोध किया और उस कानून को रद्द करा दिया। अब ये चीज हम जो आज में देख रहे हैं तो समझ में ये भी आता है कि लोग हमें जो बांटते हैं तो उसके अंदर क्या है कि हम कई जाति के नाम पर कई धर्म के नाम पर बांट दिया जाता है। जबकि हम इस चीज को अगर मजबूती से पकड़ें कि सत्ता करने वाले सत्ता में है तो हम सब नागरिक हैं और एक नागरिक के साथ में कई अत्याचार होता है तो दूसरे नागरिक को उसका सहयोग देना चाहिए और अगर वो उसका सहयोग नहीं देगा तो फिर वो हिटलर वाली कहानी आ जाएगी कि भाई यहूदियों को मारा तो सोचा मैं यहूदी नहीं हूं, आम नागरिकों को मारा तो मैं आम नागरिक नहीं हूं। हिटलर के बारे में मुझे एक बार सुनाया कि हिटलर एक बार अपनी संसद में एक मुर्गे को लेकर संसद में घुसे और उसके ऊपर पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। कैसे गए का पीड़ा से रहा उसके सारे पर उखाड़ दिए। उखाड़ने के बाद में उस मुर्गे को दाना डालता गया और मुर्गा उसके पीछे चलता गया। अब उसकी संसद में किसी ने इसका विरोध नहीं किया। जब उसने समझाया कि जब कोई विरोध करने वाला नहीं है तो उसने सोचा कि मैं अपना मनमाना काम कर सकता हूं। तो ये फिर कुछ हमारे घरों में भी ऐसी चीजें ज्यादा सवाल करे तो बच्चे के तेरे बाप बाप को सवाल पूछता चो ज्यादा बोलता ज्यादा समझ आ गई कि तेरे में थोड़ा समझदार बन रहा है क्या, तेरे को कितनी बार समझा वहां पे जाके बैठता ये करता वो करता है। तो वो चीजें भी हमें दबा के रखती है। लेकिन हमें अच्छी बुरी चीजों को ये सारी चीजें खुलती इसी तरह से कि ऐसी मजलिसों में ऐसे प्रोग्रामों में जहां आदमी आकर के बैठता है नदी में पत्थर कितना भी टेढ़ा हो और उसको जब डाल देते हैं वो आबू रोड से बनना जहां से निकलती है तो टोंक में आते आते वो पत्थर उड़कते उड़कते गोल हो जाता है। तो ऐसी जगहों पर आने से बैठने से मैं तो कक्षा 4 पास हूँ तो ऐसी जगह पर आकर सीखा। जय हिंद जय भारत।